हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कोच 91 और आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुछ बोर्ड्स के एग्ज़ाम डेट्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितने भी बोर्ड्स को हम कवर किए हैं उसको हम डिस्क्रिप्शन में बता दिए, आप देख सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा। और इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि आप लोगों को पता चल सके कि किस बोर्ड में टाइम टेबल की चेंजिंग हुई है, किस में नहीं हुई है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो पहले देखते हैं राजस्थान बोर्ड की। तो राजस्थान 8वीं बोर्ड परीक्षा का समय बदल दिया गया है। परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक होगी। पहले दोपहर 2 बजे से होनी थी। 5 मई से परीक्षाएँ शुरू होंगी। परीक्षा का समय मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर बदला गया है। छात्र परीक्षा की डेट शीट बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड ने जारी किया संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 5 मई 2021 से शुरू होगी और 29 मई 2021 को समाप्त होगी। दोस्तों, सेकंड नंबर पर चलते हैं, यूपी बोर्ड की बात कर लेते हैं। यूपी बोर्ड में क्या, उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएँ पंचायत चुनाव की वजह से 24 अप्रैल की बजाय अब 8 मई से शुरू होगी। 10वीं की परीक्षाएं 25 मई और 12वीं की 28 मई को संपन्न होगी। पहली पाली सुबह 8 बजे से 11:15 तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम की। तो सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी। 12वीं के छात्रों की परीक्षाएँ 4 मई से शुरू होंगी और 14 जून को समाप्त होंगी। वहीं 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी और 7 जून 2021 तक चलेंगी। उसके बाद में अब हम नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी के कारण 15 अप्रैल से शुरू होने वाली 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। परीक्षाएं 1 मई को संपन्न होने वाली थी। 12वीं की परीक्षाएँ अपने निर्धारित डेट शीट के अनुसार 3 मई से 24 मई तक आयोजित की जानी है। राज्य में 10वीं और 12वीं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के छात्रों को बिना किसी परीक्षा के प्रमोट कर दिया जाएगा। उसके बाद में मध्य प्रदेश बोर्ड का देखते हैं। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण मध्य प्रदेश में भी बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया जा सकता है। जारी शेड्यूल के अनुसार मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल 2021 से और 12वीं की परीक्षा 1 मई 2021 से शुरू होनी है। मध्य प्रदेश में कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं ओपन बुक सिस्टम में से हो सकती हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाओं में करीब 33 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों के शामिल होने की संभावना है। राज्य में बोर्ड परीक्षाओं की तारीख बढ़ाने को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र बोर्ड, जो कि 6वां ये है हमारा 6वां बोर्ड का नाम हमने लिया है महाराष्ट्र बोर्ड। महाराष्ट्र में 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 29 अप्रैल से और 12वीं की 23 अप्रैल से शुरू होंगी। हाई स्कूल की परीक्षाएं 20 मई और इंटरमीडिएट की 21 मई को संपन्न होंगी। दोनों परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। छात्रों को उनके संबंधित स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। यदि कक्षाओं में कमी है तो पास के स्कूलों या जूनियर कॉलेजों में व्यवस्था की जाएगी। राज्य सरकार ने अभी तक 10वीं और 12वीं की कक्षा के छात्रों को प्रस्तावित राज्य बोर्ड परीक्षाओं के शेड्यूल में किसी भी बदलाव पर फैसला नहीं किया है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि राज्य में ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है और कोविड की स्थिति में प्रभावित राज्य बोर्ड के छात्रों को विकल्प दिए गए हैं ताकि वे मेन और सप्लीमेंट्री परीक्षाओं में भी उपस्थित हो सकें। दोस्तों, अब देखते हैं हिमाचल बोर्ड की। तो हिमाचल बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 13 अप्रैल 2021 से शुरू होंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हिमाचल बोर्ड विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। 10वीं और 12वीं की कक्षा को छोड़कर सभी कक्षाओं के बच्चों को प्रमोट करने का निर्देश दिया गया है। आदेश के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2020-21 के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। 10वीं और 12वीं को छोड़ बाकी क्लास के बच्चे होंगे प्रमोट। उसके बाद में देखते हैं झारखंड बोर्ड की। तो झारखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 4 मई से 21 मई तक आयोजित की जाएंगी। यह परीक्षाएं सुबह की शिफ्ट में 9:45 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएंगी। कक्षा 10वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 6 अप्रैल से 27 अप्रैल आयोजित की जाएंगी। स्टूडेंट द्वारा व्यवहारिक परीक्षाओं में प्राप्त अंक 30 अप्रैल तक DOE कार्यालय में जमा किया जाएगा।
उसके बाद में हरियाणा बोर्ड का देख लेते हैं। तो हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से दसवीं की परीक्षाएं 22 अप्रैल से और बारहवीं की 20 अप्रैल से शुरू होंगी। दसवीं की परीक्षा सामाजिक विज्ञान और बारहवीं की हिंदी के पेपर के साथ शुरू होंगी। परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रैक्टिकल होंगे। दसवीं और बारहवीं कक्षा के प्रैक्टिकल 5 से 10 अप्रैल के बीच होंगे। छात्र डेट शीट देने के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। बोर्ड की ओर से जारी डेट शीट के अनुसार परीक्षा दूसरी पाली यानी दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक होंगी। बारहवीं की परीक्षा 17 मई को रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमोबाइल जैसे विषयों के पेपर के साथ संपन्न होगी, जबकि दसवीं की परीक्षा 12 मई को पंजाबी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनेबलिंग जैसे विषयों के पेपर के साथ खत्म होंगी। इसके बाद में देख लेते हैं पंजाब में बदली बोर्ड परीक्षाओं की तारीख। पंजाब राज्य की पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए 15 अप्रैल 2021 तक स्कूल और कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया है। बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल में भी बदलाव किया है। नई डेट शीट के अनुसार पंजाब में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 से 24 मई तक और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 अप्रैल से 24 मई 2021 तक कराई जाएंगी। तो दोस्तों ये थे आप सभी के लिए कुछ राज्यों के डेट शीट एग्जाम के बारे में न्यूज़। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।